तो दोस्तों जब भी मेंटल हेल्थ या इमोशनल वेलबींग की बात आती है तो अक्सर लोग फॉल्टी कोपअप मैकेनिज्म्स का यूज़ करते हैं जिसकी वजह से उनकी प्रॉब्लम्स लाइफ में और ज़्यादा बढ़ जाती है। वो उस टाइम पे किसी एक प्रोफेशनल की हेल्प नहीं लेते, सहारा नहीं लेते, क्योंकि उन्हें लगता है कि इसके साथ बहुत सारा स्टिग्मा एसोसिएटेड हो सकता है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है और एक एक्सटर्नल ओपिनियन, एक्सटर्नल हेल्प अपनी अपनी लाइफ में आप लेना चाहते हो तो आपको किससे हेल्प लेनी चाहिए और कौन आपकी किस लेवल तक हेल्प कर सकता है। तो दोस्तों आज हम जानेंगे डिफरेंस लाइफ कोचिंग के बारे में, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के बीच में और एक साइकियाट्रिस्ट के बीच में। तो ये तीनों लोग आपकी कैसी हेल्प कर सकते हैं और आपको किसके पास जाना चाहिए अगर आपकी लाइफ में कोई इश्यू है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो आपको इन तीनों में से किसके पास जाना चाहिए, इसलिए इस वीडियो पर बने रहिए। तो दोस्तों जब हम तीनों की बात करें, लाइफ कोचिंग, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग और साइकियाट्रिस्ट, तीनों ही प्रोफेशनल सर्विस है। तीनों के पास जब भी आप जाते हैं एक सेशन बुक करने के लिए, वो 100% कॉन्फिडेंशियल होता है, वो कहीं पे आपकी डिटेल्स शेयर नहीं होती है। दोस्तों हम जानेंगे कि लाइफ कोचिंग के अंदर आप क्या क्या कवर कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको चाहिए आपकी लाइफ में जो चढ़ाव उतार आ रहे हैं, जो स्ट्रेस हो रहा है, जो आप मैनेज नहीं कर पा रहे, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट में आपको हेल्प कर सकती है लाइफ कोचिंग। दूसरा है आपकी लाइफ में अगर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आ रही है लोगों की तरफ से, आपके अंदर से नेगेटिविटी आ रही है, आपके अंदर का नेगेटिव क्रिटिक आपको मना कर रहा है किस चीज काम करने के लिए, तो आप नेगेटिविटी को दूर कर सकते हो लाइफ कोचिंग से। आप अपने अंदर का कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो लाइफ कोचिंग में। आप इमोशनली इंडिपेंडेंट कैसे होना, लोगों पे कैसे डिपेंड नहीं होना, इमोशनल इंटेलिजेंस को कैसे आप अपने अपग्रेड करो, वो जान सकते हो लाइफ कोचिंग में। आप अपने मैरिटल डिस्प्यूट्स, अपने रिलेशनशिप में जो आपके डिस्प्यूट्स है, जो झगड़े हो रहे हैं, उसे रिजोल्व कर सकते हो, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजोल्व कर सकते हो। आप अपनी डाइवोर्स प्रिवेंशन कर सकते हो, दोनों साइड जानने के बाद में आप डिसाइड कर सकते हो कि आपके लिए सेपरेशन बेटर है कि आपको रिपेयर करना चाहिए रिलेशनशिप को। आप अपने रिलेशनशिप्स को बेटर बना सकते हो, अपनी फैमिली रिलेशनशिप, सिबलिंग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, अपने जो इंटीमेट रिलेशनशिप्स को भी बेटर बना सकते हो। आप गोल सेटिंग अपनी लाइफ में और गोल अचीवमेंट को कैसे करना है ये जान सकते हो एक लाइफ कोचिंग सेशन से। आप पॉजिटिव हैबिट्स कैसे बिल्डअप करें, नेगेटिव हैबिट्स जो आपको प्रोडक्टिविटी आपकी लो डाउन कर रही है उसको कैसे रिड्यूस करें वो जान सकते हो। आप अपने एंगर को मैनेजमेंट कर सकते हो, आप सक्सेस माइंडसेट डेवलप कर सकते हो, आप पॉजिटिव हैबिट्स को डेवलप कर सकते हो, आप करियर गाइडेंस प्राप्त कर सकते हो एक लाइफ कोचिंग सेशन से। आप प्रिवेंट कर सकते हो डिप्रेशन को, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो क्योर में हो सकता है आपको मेडिकेशंस की रिक्वायरमेंट हो, इसलिए पहली अगर आपके जो लाइफ के इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है, वो बहुत ही छोटे स्तर पर है, लेवल पर है, तो आप एक लाइफ कोच से मिलकर उसे रिजोल्व कर सकते हो, ताकि आपको फ्यूचर में एक मेडिकल प्रोफेशनल की तरफ ना जाना पड़े और आपको क्लिनिकल डिप्रेशन ना फेस करना पड़े। आप अपनी मेंटल टफनेस को बढ़ा सकते हो ताकि आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो। दोस्तों अगर इनमें से कोई भी चीज में आपको गाइडेंस चाहिए तो एक लाइफ कोच आपकी मदद कर सकता है एक 1-to-1 पर्सनल 100% कॉन्फिडेंशियल सेशन के अंदर। अब बात करेंगे साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के बारे में। जब भी आपके अंदर कोई भी साइकोलॉजिकल इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है, जिससे आपको रेमिडी चाहिए, तो आप जाएंगे एक साइकोलॉजिकल काउंसलर के पास। एक साइकोलॉजिकल काउंसलर आपको हेल्प सकता है सब्सटेंस अब्यूज में, ड्रग अब्यूज में, अल्कोहल अब्यूज के अंदर, जहां पे आप अल्कोहल को छोड़ना आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है, वो आपको हेल्प कर सकता है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के अंदर वो आपको हेल्प कर सकता है। अगर आपको बाइपोलर डिसऑर्डर है, कोई पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, जैसे कि आपको बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, वो आपको हेल्प कर सकता है। अगर आप साइकोसिस के थ्रू गुजर रहे हो, आपको स्किज़ोफ्रेनिया है, अगर आपको कोई ईटिंग डिसऑर्डर्स है, वो आपको हेल्प कर सकता है। अगर आपको एंजाइटी डिसऑर्डर्स है, आपको एक साइकोलॉजिकल काउंसलर हेल्प कर सकता है। अगर आपको पैनिक अटैक्स है, अगर आपको क्लिनिकल डिप्रेशन है, तो आपको वो हेल्प कर सकता है। और अगर आपको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स है, तो आपको हेल्प कर सकता है एक साइकोलॉजिकल काउंसलर। दोस्तों साइकोलॉजिकल काउंसलर के साथ ही आ जाता है रोल साइकियाट्रिस्ट का, क्योंकि ये सारे जितने भी डिसऑर्डर्स है वो ट्रीटेबल है साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के थ्रू, बट उसके साथ मेडिकेशंस लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और मेडिकेशन से बिल्कुल भी आप शाय अवे मत कीजिए। कभी कभी आपकी मेंटल स्टेट को एक पर्टिकुलर लेवल पे लेके आने के लिए आपको मेडिकेशंस की जरूरत पड़ेगी ही, इसलिए दोस्तों आपको एक साइकोलॉजिकल काउंसलर रेफर कर सकता है एक साइकियाट्रिस्ट के पास, एक साइकियाट्रिस्ट आपको रेफर कर सकता है एक साइकोलॉजिकल काउंसलर के पास, एक लाइफ कोच के पास अगर आप जाते हो और वो ये फाइंड करता है कि जो आपके इश्यूज है वो इससे भी बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके हैं, उसको ज़रूरत है साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की, आपके अंदर कोई डिसऑर्डर्स आ गए हैं, तो आपको वो रेफर कर सकता है एक साइकियाट्रिस्ट के पास या एक साइकोलॉजिस्ट के पास। तो जो एक साइकियाट्रिस्ट है वो आपको मेडिकेशंस देता है, तो बेनिफिट मेडिकेशंस का ये है क्योंकि वो एक केमिकल्स है, वो ड्रग्स है, तो वो इमीडिएटली आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं और आपको
इमीडिएट चुटकियों में रिजल्ट नजर आता है। अगर एक पर्सन को बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल कुछ इश्यूज है, आज वो मेडिकेशन लेके आपको एक हफ्ते के अंदर बहुत ज्यादा चेंज लगेगा, पर जो काउंसलिंग है या लाइफ कोचिंग है, कोई भी आपकी लाइफ में चेंज आने के लिए यहाँ पे आपकी मेहनत लगती है, क्योंकि एक्सटर्नली यहाँ पे कोई सपोर्ट या कोई मेडिसिन यूज नहीं हो रही है, इसलिए आपके अंदर चेंज आना जरूरी है। जैसे जैसे आप सेशंस लेते हो तो मेडिकेशन आपको बहुत ज्यादा क्विक रिजल्ट देती है, पर उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो है वो उसके साइड इफेक्ट्स है और जो उस पर डिपेंडेंसी है। तो इसलिए बहुत सारे लोग साइकियाट्रिस्ट के पास जाने से डरते हैं, पर कुछ ऐसे केसेस होते हैं, रेयर केसेस होते हैं, जरूरी केसेस होते हैं जहां पे आप बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते हो साइकियाट्रिस्ट के पास जाना, जैसे कि क्लिनिकल डिप्रेशन है, कुछ बहुत ज्यादा अगर आपके सीवियर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स है, आपको साइकोसिस है, तो आपको सिर्फ काउंसलिंग हेल्प नहीं करेगी, आपको एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाके मेडिकेशन लेना पड़ेगा, कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद जब आपकी मेंटल स्टेट एक नॉर्मल लेवल पे आती है तब आप कंटिन्यू कर सकते हो लाइफ कोचिंग सेशंस या काउंसलिंग सेशंस के साथ। दोस्तों मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और देखते रहिए लाइफ।